अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज की रेसिपी है गाजर की हलवा, और ये गाजर की हलवा मैं बहुत ही झटपट बनाने वाली हूँ, और बिल्कुल एक चम्मच घी से बनाएंगे, और बिना ड्राई फ्रूट एंड बिना खोया से बनाएंगे, और टेस्टी उतना ही होगा। तो चलिए बनाते हैं। मैंने ये गाजर ली हूँ, आप देख सकते हैं, और ये मैंने 1 केजी गाजर लाई हूँ, और इसे अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें रखी हूँ। इसके पानी अच्छे से सूख गई है। तो अब हम चलते हैं इसे कद्दूकस करने। कद्दूकस करके आपको दिखाते हैं किस तरह से करेंगे। जो ज़्यादा मोटे हैं उसको बीच के साइज बीच में जो रहते हैं उसे हम हटा देंगे। तो इस तरह से पहले छोटे छोटे कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी है, और थोड़ी खट खुट की आवाज़ आती होगी तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि फ़्लाइट में काम चल रही है इसकी वजह से। और ये देखिए, इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे, और इसके बीच की जो होती है ना वो हम आपको दिखाएंगे, उसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होते हैं और वो जल्दी गलते नहीं हैं। अगर पका भी लें तो टेस्ट उसकी अच्छा नहीं आती है। तो देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ किसे हटाना है। इस तरह से बीच से निकलता है ना, ये मोटे वाले गाजर जो होते हैं ना उसमें होते हैं, ये पतले वाले में नहीं होते हैं। तो ये मोटे वाली गाजर से हम निकालेंगे, अगर पतले वाली है तो नहीं निकालेंगे। और सबको हम कर लेते हैं इसी तरह, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये सारी की सारी मैंने कर ली, आप देख सकते हैं। और चलिए हम इसे अब बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाएगी, और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, और कढ़ाई में मैं 1 चम्मच के करीब ही घी डालूंगी। ये वाली घी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, और 1 चम्मच घी डालेंगे, और इसमें हम सारे गाजर को डाल देंगे, और इसी घी के साथ इसे हम भूजेंगे जब तक इसकी कलर ना चेंज हो जाएंगी। लगभग 15 से 20 मिनट तक हम घी के साथ भूजेंगे। सारी की सारी गाजर डाल देंगे, उसके बाद चलाते रहेंगे, इसको रोकना बिल्कुल भी नहीं है। चलाते चलाते ही इसे भूजना है, और इसे रेस्ट नहीं करने देना है। अगर छोड़ देंगे तो नीचे से जलने की चांस पकड़ लेती है, और मेरा तो स्टील वाली कढ़ाई है तो ज़्यादा ही चांस है। आप कोई भी बर्तन लें तो मोटी तले वाली लें। और देखिए, मैंने इस तरह से इसे भूज रही हूँ, आप इसे देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो रही है। तो इसकी कलर चेंज हो जाती है 15 से 20 मिनट इसे अच्छे से भूजेंगे, जैसे कि गाजर में जो भी थोड़ी बहुत पानी होगी वो अच्छे से खुश्क हो जाएंगे। और ये देखिए कितना था, भरा हुआ था, और ये हाफ से भी कम हो गया, आप देख सकते हैं, और नीचे से बिल्कुल ही इसकी पानी सूख गई है। तो अब हम डाल देंगे इसमें दूध। आपने कभी इस तरीके से बनाया है या नहीं मुझे बताइएगा, और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत अच्छी गाजर की हलवा बन जाती है। तो मैंने 2 गिलास दूध डाल दिए, और इसे चला लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे, नहीं तो रहने देंगे। गाजर की हलवा बहुत तरीके से बनते हैं, खोया वाले भी बनते हैं। तो मैंने 3 गिलास पूरा टोटल दूध डाल दिए हैं, और इसे इतना ही डालेंगे, और इसी के साथ हम पकाएंगे इसमें, और साथ में ही डाल देंगे चीनी। और इसे मिक्स कर देंगे, और चलाते हुए मैंने जिस वक्त घी डाली थी 1 चम्मच, उस वक्त मैंने 20 मिनट घी के साथ गाजर को फ्राई की थी, मतलब भूजी थी,
और इसमें मैंने 3 गिलास दूध डाल दिए। मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने इसमें चीनी डाली हूँ और इसे लगभग 20 से 25 मिनट तक चलाते हुए अभी पकाएंगे। 20-25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्या टेक्सचर है। तो ये देखिए, 20-25 मिनट बोलते हैं तो आपकी डायरेक्टली 20-25 मिनट नहीं छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपकी जल जाएगी। बीच में 5-5-10 मिनट के बाद आप चेक करते रहिएगा, चलाते रहिएगा। अगर मैं बोल रही हूँ 20-25 मिनट, तो 20-25 मिनट के बाद आप खोलेंगे ना तो आपकी गाजर जल जाएगी। तो देख सकते हैं गाजर कितनी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ मलाई। ये मेरी घर की मलाई थी जो सुबह में बची हुई थी मलाई, वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। मैंने निकाल करके रख दी थी जो मलाई बची थी, क्योंकि मैं इसमें खोया ऐड नहीं कर रही हूँ। कोई ड्राई फ्रूट भी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे घर में जो अवेलेबल थी मैं उसी से बना रही हूँ। अगर आपके पास खोया है या फिर ड्राई फ्रूट है तो आप उसे भी इसमें डाल करके बनाएं तो और अच्छा बनता है। इंशाल्लाह मैं खोया वाली भी रेसिपी लेकर के आऊँगी गाजर का, तो वेट कीजिएगा। ये जिसके घर में अगर छोटी मोटी सामान इतनी घर में हर किसी के किचन में रहती है तो वो हर कोई बना करके इस टाइप से खा सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सोचने लगते हैं इतनी ड्राई फ्रूट घी कहाँ से लेकर आए, कैसे बनाएं, तो ये इजीली हर कोई बना सकते हैं। मैंने 2 इलायची का अंदर से जो दाना होता है मैंने निकाल ली थी बीज, और उसे अच्छे से कूट करके और मैं इसमें डाल दी। अगर आपके पास इलायची एसेंस है तो वो डाल दें थोड़ी सी, 1 ड्रॉप, उससे भी इसकी टेस्ट अच्छी आ जाती है। और इसे मिक्स करते हुए चलाएंगे। तो मैंने दूध डालने के बाद भी 20-25 मिनट तक इस तरह चलाते हुए पकाए हैं, आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसमें मलाई डाली और मलाई डाल करके भी 10 मिनट इसी तरह पकाएंगे। और 10 मिनट हो गई है, आप इसमें देख सकते हैं अच्छे से पानी एब्जॉर्ब हो गई है पूरी तरह से, अंदर से पानी बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम इसे पकाएंगे क्योंकि इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं नीचे थोड़ी बहुत दूध है, तो जल्दी से जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत है वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। पर इसे हम अच्छे से पकाएंगे, धीरज रख के पकाएंगे, क्योंकि इसकी टेस्ट तो अच्छा आना है ना। और ये अच्छे से बन गई है, आप देख सकते हैं सब पूरी की पूरी दूध सूख गई है। तो चलिए डिश आउट करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कैसी बनी है गाजर की हलवा। और आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ये सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही कम सामानों से बनाने वाली रेसिपी है गाजर की हलवा, और बहुत पसंद आते हैं, हर किसी को पसंद आते हैं गाजर की हलवा। और बताइएगा आप लोग ज़रूर मुझे आपको कैसा लगा मेरी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ में बताइएगा भी ज़रूर और आप बनाइएगा भी ज़रूर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।